सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कक्षा दसवीं का ए फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर के हम लोग 60 क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखते हैं। इसके पहले संपूर्ण जो भी चैप्टर हमारे द्वारा स्टडी कराए गए हैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उस पर जाकर के सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आइए फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का पहला 60 क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। देखिए लिखा है कि डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। तो एनी की फीलिंग, उसकी जो भावनाएं थी जो उसने डायरी रखा, उसके प्रति उसकी जो भावनाएं हैं डायरी के प्रति, उन विचारों को हमें प्रदर्शित करना है। देखिए जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो एनी थी उसके हालांकि कई दोस्त साथी थे, उसके परिवार भी था, और फिर भी उसे लगता था कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है जो उसकी सुख दुख और भावनाओं को बताए, शेयर करे और उससे अपनी बातों को उनके सामने रखे। इसीलिए उसने सोचा कि मैं डायरी रखूं और सारी बातें उस डायरी में हम नोट करते रहेंगे, यही हमारे सुख दुख के साथी रहेंगे। तो देखिए पहला वही चीज़ है, इसमें बताना है कि उसकी क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग्स थे। देखिए एनी हैज सम 30 पीपल हुम सी कॉल्ड फ्रेंड्स। तो उसके नियर अबाउट 30 लोग थे जिन्हें वह दोस्त कहती है, बट इन रियलिटी सी कुड नॉट टॉक विथ देम। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उनसे बात ही नहीं कर सकती थी। सी फेल्ट एलोन, उसे लगता कि मैं अकेली हूँ, अकेला महसूस होता। सो सी डिसाइडेड टू मेक अ डायरी इन विच सी कुड टॉक टू देम। अतः वह निर्णय की कि अब हमें डायरी रखना है, डायरी ही हमारी सब कुछ होगी, उसी से वह बात कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर टू देखें, सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा देखिए लिखा कि व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। तो एनी क्यों यह सोचती थी कि कागज़ जो होता है, पेपर जो होता है, वो लोगों से काफ़ी पेशेंस होते हैं, धैर्यवान होते हैं। देखिए रीजन यही है कि पेपर जो है कागज़ से धैर्यवान इसलिए होंगे कि वो सारी चीज़ों को बड़ी ही सहनशीलता से देखेंगे, समझेंगे और कुछ एतराज़ या विरोध भी नहीं करेंगे। देखिए आंसर, एनीज बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, काफ़ी धैर्यवान होते हैं लोगों की अपेक्षा, बिकॉज इट लिसन्स टू हर पेशेंसली, क्योंकि ये उसकी बातों को बड़ी ही धैर्यपूर्वक सुनते हैं, एंड इन अ साइलेंट, बड़ी ही शांत खामोश वे में पूछ सुनते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल, लोग जो होते हैं प्रतिक्रिया जाता है, विरोध करते हैं, असहमति उत्पन्न करते हैं, लेकिन पेपर ऐसा नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं जताते। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। तो उसके जो टीचर थे एनी फ्रैंक के, वो श्रीमान किसिंग थे, उनके क्या विचार थे उसके प्रति, एनी फ्रैंक के प्रति, उसको दर्शाना है। देखें मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, ऐसा लगता था कि काफ़ी कड़े टीचर हैं, बट ही एक्चुअली बिलीव्स इन टेकिंग एक्शन विथ पीपल अटेंशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। लेकिन वास्तविकता में वह जो थे टेकिंग एक्शन विथ गुड अटेंशन, माने सही निर्णय लेते, सही विचार रखते और बच्चों के विकास की बातें सोचते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, व्हाई वाज एनीज इंटायर क्लास एक्सियस एंड नर्वस। तो पूरा जो एनी का क्लास था, एनी फ्रैंक का, क्यों घबराहट था उसे, उन लोगों को क्यों चिंता थी, नर्वस क्यों थे, परेशान क्यों थे। देखिए एनीज इंटायर क्लास वाज एक्सियस एंड नर्वस अबाउट द रिजल्ट एज इट वाज टू एट बी डिसाइडेड। देखिए इसीलिए परेशान था सारा क्लास, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था और उनके भाग्य का डिसाइड होने वाला था, कौन अगले कक्षा में जाएगा, कौन इसी कक्षा में पढ़ेगा, इसीलिए सब आतुर थे, चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, डिस्क्राइब्स एनीज अर्ली एजुकेशन, जो एनी का प्रारंभिक शिक्षा था उसके बारे में जिक्र करना है। प्रीवियस क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट मॉन्टेसनरी नर्सरी स्कूल। तो उसका जो प्रारंभिक शिक्षा था एक मॉन्टेसनरी नर्सरी स्कूल में हुआ था, टिल सी वाज नॉट सिक्स, जब तक कि वह छठी दर्जा में नहीं चली गई तब तक वह पढ़ती रही वहीं पे। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फार्म एंड द नेक्स्ट सिक्स फार्म, वह वहाँ पर
प्रारंभ से लेकर के पहली से लेकर के छठवीं तक पढ़ी। सी हैड डेवलप्ड सच अ गुड रिलेशन विथ हर हैड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस। तो उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी श्रीमती क्यूपरस थी, उनसे एक अच्छा संबंध रहा उसका के साथ। एंड दैट बोथ ऑफ देम वेयर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल। और जब दोनों इतने दिनों के बाद अलविदा होने लगे तो दोनों के आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था। आगे आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। व्हाट डज एनीज राइट इन हर फर्स्ट डायरी। तो पहले बार उसने फर्स्ट एसे में, पहले निबंध में एनी ने क्या लिखा, जब उसके टीचर के द्वारा, एनी के टीचर जो ब्राउन थे, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बातूनी लड़की हो, बहुत बोलती रहती हो, तुमको पनिशमेंट में ये हम तुमको कुछ लिखने को देते हैं किसी एसे पर, निबंध पर। वो निबंध वहीं चैटर बॉक्स था, उस पर दिए थे। तो उसने उस पर क्या लिखी पहली दफ़ा अपने उस एसे में, देखें। इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड चैटर बॉक्स जो दिया गया था, उस एसे की बात हो रही है। एनी वॉन्टेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग अर्जमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो वहां पर कुछ चीजों को प्रस्तुत करना चाहती थी, सिद्ध करना चाहती है वह। तो वह जो टॉकिंग है, बातचीत है, उसके संदर्भ में वह कुछ ठोस प्रूफ प्रस्तुत करना चाहती है। सी रोट थ्री पेजेस, तीन पेज लिखी। एंड अर्ज्ड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। और यह वहाँ उस तर्क में दी कि बातचीत करना ये विद्यार्थियों का ट्रेट है, लक्षण है। एंड सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वह अपना पूरा प्रयत्न करेगी कि वह इस चीज़ पर काफ़ी तक हद तक कंट्रोल करे। तो क्वेश्चन सिक्स था, ये क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। मिस्टर केसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन इट। वह एक विनम्र थे लेकिन स्ट्रिक्ट कड़े टीचर थे, इसको समझाना है। देखें, यस ही वॉज अ काइंड, विनम्र तो थे बट स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही वॉज एंग्री विथ एनी बिकॉज सी वॉज अ टैक्टेटिव गर्ल। तो हमेशा एंग्री रहते थे, क्रोधित रहते थे एनी से, क्योंकि बातूनी लड़की थी, हमेशा कक्षा में बात किया करती थी। क्वेश्चन नंबर एट देखें। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर ग्रैंड मदर एंड मिसेस क्यूपरस। उसके जो मुख्य अध्यापिका क्यूपरस थी और उनकी दादी माँ और पिता के प्रति उसकी क्या इच्छाएं थी, भावनाएं थी एनी की, क्या वह महसूस करती है, इसका जिक्र करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एपी बोर्ड में। देखें, हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही श्रद्धावान पिता थे। सी लव्ड हिम वेरी मच, काफ़ी प्यार करती थी अपने पिताजी को। सी एल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, दादी माँ को भी। सी वॉज वेरी अटैच टू हर टीचर मिसेस क्यूपरस, अपनी जो मुख्य अध्यापिका उसकी श्रीमती क्यूपरस थी, उनसे भी बहुत लगाव था उसका। आवाज इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट हर। और जब वह स्कूल छोड़ने लगी तो वहां पर क्यूपरस और उसके आंखों में आंसू आए थे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखें। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। तो हॉलैंड जब उसके मदर फादर चले गए थे तो कहाँ ठहरी थी एनी उस वक्त, देखें। एनीज पेरेंट्स शिफ्टेड टू हॉलैंड एंड दे डिड नॉट टेक एनी विथ देम। जब एनी के माता पिता हॉलैंड चले गए तो अपने साथ एनी को नहीं ले गए। सो एनी स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ। तो अपनी दादी माँ के यहाँ कुछ महीनों तक रुकी रही, ठहरी रही। क्वेश्चन नंबर टेंथ देखें। लिखा है कि व्हाई वाज एनी इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट मॉन्टेसरी स्कूल। तो छठवीं दर्जा में पढ़ाई करने के बाद जब मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ रही थी तो आंखों में आंसू क्यों थे फ्रैंक एनी के, देखें एनी फ्रैंक के। व्हेन एनी वाज इन द सिक्स फॉर्म द मॉन्टेसरी स्कूल, में जब छठवीं दर्जे में थी तो हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, मुख्य अध्यापिका थी उसकी जो टीचर क्यूपरस थी। एनी लव्ड हर टीचर वेरी मच, बहुत ज़्यादा वो चाहती थी, प्यार करती थी अपने टीचर को जो एनी थी। सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल सी वाज इन टीयर्स, जब स्कूल छोड़ने लगी तो उसके आंखों में आंसू थे, इतना लगाव था अपनी अध्यापिका से उसका। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट प्रोमेटेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, क्या चीज़ उत्प्रेरित किया उसको डायरी रखने के लिए। व्हाट नेम डज सी गिव इट टू इट,
तो उस डायरी का उसने क्या नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ यूपी बोर्ड में। देखें, एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव रियल फ्रेंड, कोई वास्तविक दोस्त नहीं जिससे वो अपनी उस दोस्त से बातें कर सके, उसके कोई वास्तविक रियल फ्रेंड नहीं थे। द डायरी वॉज कॉल्ड किट्टी बाई एनी, तो उसने उस डायरी का नाम किट्टी रखा। सो थैंक्स स्टूडेंट।